नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। करकटा गांव में हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने मांझियाब थाना पहुंचे एसपी। मांझियाब थाना क्षेत्र के करकटा गांव के समीप गत 22 मार्च की अर्धरात्रि में सरजू पाल सहित लगभग 40 भेड़ों को हत्या कर दी गई थी। वहीं दूसरे भाई प्रभु पाल घायल अवस्था में पाया गया था। गठित टीम के द्वारा कुछ लोगों को पकड़ा गया है। इधर गंभीर रूप से घायल प्रभु पाल के पुत्र रविंद्र पाल के द्वारा इस हत्याकांड में शामिल 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कई लोगों को उठाकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सफलता नहीं मिल सकी है। लगातार जिले की पुलिस पदाधिकारियों द्वारा यह तक कहा जाने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। सच कहा जाए तो 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इस घटनाक्रम में सच्चाई का पर्दा नहीं उठ सका है। रविवार को पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा एवं पुलिस उपाधीक्षक अवध कुमार यादव थाना पहुंचे और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की। गौरतलब हो कि मृतक सरजूपाल का 310 एवं प्रभुपाल का 150 भेड़ बताए गए हैं, जिसमें आधा दर्जन से अधिक हत्यारों ने दोनों भाइयों को लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी थी, जिसे बुजुर्ग 62 वर्षीय सरजूपाल पिटाई से मौत हो गई थी, जबकि मृतक सरजूपाल का भाई गंभीर अवस्था में प्रभुपाल का इलाज चल रहा है, जहां पर मौत और जीवन से जूझ रहा है। इधर बताया जा रहा है कि हत्यारों को पकड़ने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष पुलिस टीम गठित की गई है, जो अपने राज्य से ही दूसरे राज्यों में बराबर संभावित ठिकानों पर छापेमारी अभियान जारी है। घटनाक्रम में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने कहा कि बहुत जल्द सफलता मिल जाएगी। वहीं इस दौरान पुलिस निरीक्षक संजीव कुमार खाखा, थाना प्रभारी कमलेश कुमार महतो, एसआई स्वामी रंजन ओझा, एएसआई कंचन रजक उपस्थित थे। धन्यवाद। सीबीएसई पर आधारित इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल प्री नर्सरी टू क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, स्थान सीमित है। दूर दराज के छात्रों के लिए यातायात वाहन की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर टंडवा गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।